अस्सलाम वालेकुम, इस इसमें अतीक आबिद और इत्तेफाक से इफ्तार का टाइम जो है वो होने ही वाला है कुछ ही देर में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रोशनियों के शहर कराची में। मेरे पीछे जो है रोशनियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। तो बहरहाल जब मैं निकला हूँ कराची की इफ्तार को शूट करने के लिए, आया कि जो लोग ऑफिस वगैरह से निकलते हैं और उसके बाद जो है इफ्तार रास्ते में हो जाती है, मगर वो कहीं भी इफ्तार नहीं कर पाते। तो कराची के शहर जो है इफ्तार उनको किस तरह कराते हैं और कराची में जगह जहाँ पे किस तरह इफ्तार होता है वो आपको मैं बता दूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और उसके साथ हमेशा की तरह इस बार भी कोशिश यही रहेगी अच्छे अच्छे शूट लूँ और आप लोग अच्छे अच्छे बताएँ। माजरत खाऊँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तकरीबन कोई 10 मिनट बाद जो है अजान मगरिब हो जाएगी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सब कुछ जो है आप लोगों को दिखाऊं। कराची में जगह जगह पे जाऊंगा और उस जगह पे शूट करूंगा जहां पे लोगों को इफ्तार करवाते हैं प्रॉपर। तो आइए वीडियो मेरे साथ देखिए, रास्ते में मेरे साथ रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह नगेबान।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول कोशिश यही थी मेरी कि कराची के लोगों की इफ्तार आप लोगों को दिखाऊं और आपको दिखाई दी। इस टाइम इफ्तार से फ्री हुआ हूँ मैं और माशाल्लाह इस टाइम अमेजन रोड पर मौजूद हूँ। अगर कोई ऑफिस वगैरह से लेट हो जाता है या घर की किसी काम से बाहर जाता है या कहीं भी जाता है और रास्ते में इफ्तार का टाइम हो जाता है, हम जो कराची जिंदा दिलाने लोग हैं और जिसको रोशनियों का शहर कराची कहते हैं, वहाँ के लोग उनको अपने पास बिठा के गाड़ी में और उन तक पहुंचा देते हैं इफ्तारी, ताकि कहीं ना कहीं उनकी इफ्तारी ना रहे। कराची जिंदा दिलाने कराची की मिसाल यही बहुत है कि राह चलते लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इफ्तार करवाते हैं। अगर आसान का टाइम हो जाए क्या आसान हो जाए, कोशिश यही थी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा टूर दिखाऊं, मगर शॉर्टेज ऑफ टाइम आप लोगों को जितना दिखाया उतना बहुत है। कोशिश यही करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छी से अच्छी हो। कोशिश यही थी मेरे ब्लॉग के साथ कि आप लोग को वो सब कुछ दिखाऊँ। जो जो खवातीन मुझे देख रही हैं वो परेशान होती होंगी घरों के अंदर बैठ के कि आया कि मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड या मेरे वाली साहब को अगर बाहर निकले हुए हैं इफ्तार कहाँ पे करेंगे। साफ खास तौर पर फेसबुक की बात अगर मैं करूँ, फेसबुक में मेरा रिज़ल्ट वो नहीं आता जो यूट्यूब पे आता है। तो कोशिश यही होती है कि फ़ोन के रिज़ल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, मगर इतफाक से ऐसा होता है कि फेसबुक में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो लिहाजा जो जो मुझे फेसबुक में देख रहा है वो कहते हैं यूट्यूब मुझे ज्वाइन कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। जाने का वक्त हुआ जाता है, मुझ जंगली को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने कहा।